फतेहाबाद में आयोजित मुक्ति दिवस रैली में आखिरकार सरकार ने उड़ाई हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां। प्रदेश के अलग अलग जिलों की सैकड़ों स्कूल बसों में सवार होकर पहुंची भीड़। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार स्कूल बसों का रैली जनसभा के लिए नहीं किया जा सकता प्रयोग। सीएम मनोहर लाल खट्टर फतेहाबाद पहुंचे, रैली को करेंगे संबोधित। जैसी आशंका थी ठीक सरकार ने वैसे ही अपनी मनमर्जी करते हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए फतेहाबाद रैली में स्कूल बसों का प्रयोग किया। रैली से एक दिन पहले आरटीए विभाग के अफसर जिस तरह स्कूल बसों की रैली में लाने के लिए स्कूल संचालकों को फोन करते दिखे, उसे हाईकोर्ट के आदेश टूटते तो तय दिख रहे थे, लेकिन रविवार को स्कूल बसों में जब रैली की भीड़ पहुंची तो सरकार के नियमों के खिलाफ जाने पर मुहर लग गई। स्कूल बसें लेकर आने वाले ड्राइवर और अन्य बस सवार लोगों ने कहा कि सरकार ने उन्हें रैली में पहुंचने के लिए स्कूल बसें उपलब्ध कराई हैं, यहां तक कि इन बसों में तेल भी सरकारी डलवाया गया है। रैली स्थल पर सैकड़ों स्कूल बसें प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंची हुई दिखीं। आज़ाद टीवी न्यूज़ के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा की रिपोर्ट। किस प्रोग्राम में आप यहाँ आए हैं? ये संगम वाला यूनिवर्सिटी का हम तो स्कूल से आए हैं, पता नहीं इसके बारे में। तो कौन से स्कूल से हैं? हम देव इंटरनेशनल बुटाना से। जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ प्रोग्राम रखे उस प्रोग्राम में आए हैं और करनाल से आए हैं, जंगम जाति से संबंधित हैं और इसी पर्पज से यहाँ आए मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। खट्टर ने मंगाई है, खट्टर के लिए हम आए हैं, यहाँ प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं। बहुत सुंदर प्रोग्राम है, यहाँ चल रहा है, सभी देख रहे हैं, हमारे साथ में आए वो भी देख रहे हैं। तो ये सरकार ने बुलाई है क्या जी? बस सरकार ने बुलाई है जी, हम आए हैं आपके प्रोग्राम देखने के लिए। तो तेल वगैरह किसने दिया है जी? तेल सरकार ने दिया है जी, प्राइवेट बसें हैं, स्कूल की बसें हैं।